हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और न्यू वीडियो के अपलोड्स की जानकारी के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। सो स्टे ट्यून विद मी एंड नाउ स्टार्ट विद न्यू वीडियो। हेलो प्लीज वेलकम टू शर्मा चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हो। एंड आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे की हमारी सबसे पहली वीडियो। सो आज की वीडियो है थोड़ी इंटरेस्टिंग। हमने यूज़ किए थे अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर एक ब्लीच, नेचुरल ब्लीच, याद आया कुछ? यस, हमने यूज़ किया था ओलिविया का नेचुरल ब्लीच, जिसका हमने लाइव यूज़ कैसे करते हैं और रिजल्ट बिल्कुल लाइव देखा था कि वो कैसी है। सो आज हम उसका करने वाले हैं रिव्यू। भाई हमने यूज़ तो कर लिया, अब कई लोगों के मन में है होगा कि भाई वो कैसी है, हमें यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका क्या प्राइस है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट है और कैसे नेचुरल है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस का आज हम करेंगे समाधान। सो आज हम करेंगे भाई ओलिविया है क्या चीज, ओलिविया तो ब्रांड है, सॉरी, ओलिविया का जो हमारा ये ब्लीच है नेचुरल ब्लीच वो क्या चीज है। सो अब हम देखेंगे, अब हमारे पास है ओलिविया का नेचुरल ब्लीच, जिसे ये बोलते हैं कि ओलिविया एक हर्ब ब्लीच है एंड ये जो बनती है विद हल्दी चंदन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विद हल्दी चंदन एलोवेरा एंड नींबू एंड बट ऑब्वियस है ये जब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज एक तो ये हल्दी उस इसके अंदर की हुई है, तो हल्दी का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे अगर स्किन के ऊपर ज़रा सा भी एक्ने है, एक्ने के मार्क्स हैं, बट ऑब्वियस इसे हील करेगी, यानी कि बहुत ही अच्छी है उस हिसाब से। तो और अगर है चंदन, चंदन जो होता है हमारे जो स्किन होती है उसको निखारती है, हल्दी भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से निखारती है, चंदन तो ग्लो हमारा लेकर ही आती है, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है अपनी। एलोवेरा, और एलोवेरा तो होते जो कि हमें हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है और हमारी स्किन को तुरंत ताज़ा रखती है। और बाद में है नींबू, और भाई नींबू के बारे में तो क्या ही बोले, नींबू जो होता है हमारी स्किन के को ब्राइट करती है, यानी कि ओलिविया हर ब्लीच के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि चार चीज़ें हैं जो कि मतलब सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। फिर तो मतलब एक तो आपको इससे, इस ब्लीच से जो है आपकी स्किन ब्राइट भी होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, बिल्कुल एक्ने नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल भी एक्ने के मार्क्स भी नहीं होंगे, इसके बाद वो भी थोड़ा सा ये रिमूव कर देगा। सो अब है इसके अंदर, इसके इस पैकेजिंग के अंदर लिखा है भाई, ये है 80 रुपीज़ की पैकेजिंग, और इस ये मेरे पास जो है ये थोड़ा छोटा पैकेट है, इससे भी बड़ी बड़ी पैकेजिंग आती है 250 रुपये तक की आती है, एंड ये है 80 रुपीज़ वाली जो मैंने यूज़ करी है। और इसका जो जब मैंने लिया था ये मैंने लिया था 2018 के अंदर। सो अभी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 8/2018 से लेकर 7/2020, यानी कि ओलिविया का जो ब्लीच का जो आपको टाइम पीरियड मिलता है वो होता है 2 साल का, यानी कि आप अगर आप छोटा पैकेट भी लेते हैं, अगर आप बड़ा पैकेट भी लेते हैं, सो वो जो है आप 2 साल तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं बिना भी भाई अभी एक्सपायर हो जाएगा ये हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ब्लीच जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लीच होता है महीने में या 15-20 दिन में एक बार लगा लीजिए, तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि पता चला आज हमने लगाई और कुछ महीने के बाद वो एक्सपायर हो गई। तो बिल्कुल भी इसमें सिरदर्दी वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज ये जो है 2 साल तक की इनकी वैलिडिटी होती है। सो उसके बाद बट इसी मैं बोलूँगी, जब भी आप खरीदे तो मैन्युफैक्चरिंग जरूर चेक कर लीजिए कि वो थोड़ी सी पहले की हो, जैसे कि अगर 9 में अगर आप सितंबर 2 में खरीद रहे हैं तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगस्त की बनी हो, मतलब थोड़ा उसके नज़दीक से ही खरीदें, ठीक है, ताकि वो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए उसको यूज़ करने का। सो इसके बाद जो है इस पैकेजिंग के अंदर हमें मिलता है, इस ओलिविया हर्बल ब्लीच के अंदर हमें मिलती है, एक मिलती है हमें एक बुकलेट सी, छोटी सी बुकलेट, जिसके अंदर पूरा लिखा होता है, मेंशन होता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप बुकलेट नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैं इसके आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि भाई कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि हमने भी ये वीडियो के बारे में कैसे यूज़ किया जाता है लाइव रिजल्ट बनाए थे। सो इस जो बुकलेट है, ये बुकलेट में एक तरफ लिखा हुआ है
एक तरफ लिखा हुआ है हिंदी में और एक तरफ थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, कुछ समझ ही नहीं आ रही भाई कौन सी लैंग्वेज है ये। एक कुछ अलग सी लैंग्वेज है और एक तरफ लिखी हुई है इंग्लिश। मतलब कि ये बुकलेट जो है, जो हमारी छोटी सी बुकलेट है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और कुछ आई थिंक हो सकता है मे बी उर्दू हो, कुछ मुझे क्लियर नहीं है। तो मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस में है, सिर्फ उर्दू नहीं, बहुत सी लैंग्वेजेस में है। सो अब हिंदी इंग्लिश तो है ही है। तो अब उसके बाद इसमें पूरी बुकलेट में इसमें लिखा होता है कि कैसे लगानी है, कितने प्रोपोर्शनैलिटी में आपको मिक्स करना है और ये सारा का सारा कितने देर तक रखना है, कितना का 50 ग्राम है, 30 ग्राम, 60 ग्राम, कितना लेना है, पूरा का पूरा इस बुकलेट में मेंशन किया जाता है। तो जैसे इसमें लिखा है कि आपको 10 मिनट के बाद इसे रिमूव कर देना है, ठंडे पानी से धोना है, मतलब कैसे कैसे आपको प्रोसीजर अपनाने हैं इसे, इस ब्लीच को लगाने के पहले या बाद में। सो वो पूरा का पूरा इसमें मेंशन होता है। सो ये तो हुई हमारी बुकलेट की बात। अब इस प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं तीन चीज़ें। एक तो हमें मिलती है ओलिविया की हर ब्लीच क्रीम, ये हमें मिलता है एक क्रीम जो कि मेन, जैसे कि जिसके हम यूज़ करते हैं और इसको एक्टिवेटर में मिक्स करते हैं। सो कैसे करते हैं वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ये एक्टिवेटर, ये मिलता है हमें एक्टिवेटर। भाई इस क्रीम के अंदर जितना हमें चाहिए फेस पे लगाने के लिए, नेक पे लगाने के लिए, जितनी हमें चाहिए उस क्रीम के अंदर, थोड़ा सा चुटकी से मैं आपको बताऊंगी कि चुटकी से एक्टिवेटर मिक्स कीजिए तो वो आपका एक तरह से मिश्रण बन जाता है। सो ये हमें मिलती है दो चीज़ें और हमें एक इसके अंदर मिलता है पैलेट। ये मिलता है हमें चुटकू सा पैलेट कि भाई उनका कहना है कि भाई ये जो दो चीज़ें आप मिलाकर लेने वाले हैं तो इसके अंदर मिला लीजिए। और मिलाने के लिए भी ये देते हैं हमें छोटा सा स्पून, तो ये हमें देते हैं स्पून। सो ये हमें चार चीज़ें मिलती हैं, ये देख सकते हैं। सो ये हमें चार चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है एक्टिवेटर, एक मिलती है क्रीम और एक मिलता है छुटकू साइज की प्लेट, छुपा एक मिलता है हमें स्पून। यानी कि इन दोनों को, यानी कि मिलाइए, इन दोनों को आपस में मिलाइए और इसमें परोसिए और लगा लीजिए। ठीक है, तो अब ये हमें सिर्फ चार चीजें मिलती हैं और ये हुआ हमारा डब्बा खाली। सो बेसिकली जो है हम ये बहुत ही ज़्यादा ये हमें मिलता है और एक तरह से ये जो होती है, ये जो हमारी जो ब्लीच है, ये रेकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि ये जो है सेंसिटिव स्किन के लिए, जैसे कि आप शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ या आप देख पा रहे कि नहीं, कि ये जो होती है बिल्कुल एक सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। और सबसे ये तो हुई हमारी रिव्यू की बात कि भाई ये कैसी है, क्या है, क्या इसका प्राइस है। जो इसका प्राइस जो मैंने खरीदा था वो 80 रुपीज़ है, अगर मैं शायद बताना भूल गई, वैसे मैंने आई थिंक बताया था 80 रुपीज़ की है और ये जो है 30 ग्राम की है। इसका जो ये जो हमें मिलता है 80 रुपीज़ में, वो है 30 ग्राम का। और इसमें जो क्रीम है, 30 ग्राम कैसे बनती है कि ये हमें पाउच जो मिल रहा है वो 30 ग्राम का कैसे है, क्योंकि ये क्रीम होती है 26 ग्राम की और ये जो एक्टिवेटर हमें साथ में मिलता है वो मिलता है 4 ग्राम का। तो हुआ 26 प्लस 4 ग्राम 30 ग्राम, तो यानी कि ये जो हमें मिलता है 90 रुपीज़ में, वो मिलता है हमें 30 ग्राम का पूरा पैकेट। सो ये तो हुआ हमारा कि ये होती क्या है। बट अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरे खुद के पर्सनल वो है कि भाई कैसी है कैसी नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बिकॉज आपने, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ये यूज़ कर चुके हैं वीडियो में, तो उसके बाद लाइव तो आप देख ही चुके हैं कि ये जो होता है स्किन बहुत अच्छे तरीके से ब्लीच करती है। तो मैं आपको अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगी कि भाई एक तो ये जो चीज़ है, जब हमने इसे यूज़ किया, मेरे जो फेस पे जो बाल हैं वो थोड़े हार्ड हैं और हार्ड बाल जो होते हैं हर किसी, हमें उसके लिए हार्ड ब्लीच लगानी पड़ती है। बट ये जो ब्लीच है, ये हमारी जो ओलिविया की ब्लीच है, इस ब्लीच ने जो है कि मेरे ऑलरेडी मतलब हार्ड बालों को भी जो है अच्छे तरीके से ब्लीच किया, एंड साथ ही साथ मतलब मुझे हार्ड ब्लीच लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो ब्लीच है, ये आप जो वैसे अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कईयों के
टीनेजर्स के बाल भी बहुत ज़्यादा जो होते हैं कभी कभी ब्लैक होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं लड़कियों के फेस पे या लड़कों के फेस पे, थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा सा करना होता है कि भाई यहाँ से ब्लीच हो जाए, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सीरियसली बहुत ही नेचुरल ब्लीच है। एंड इसका जब आप लगाते हैं तो इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी एक नेचुरल की प्रोडक्ट्स की आती है, जो कि इसमें मेंशन किया एलोवेरा, नींबू, ये जो सब चंदन ये और हल्दी, ये चारों की ही आपको स्मेल आती है, बिल्कुल भी हार्श स्मेल नहीं होती है जो होती है। और साथ ही साथ ये हर क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे बिल्कुल भी ये जैसे होता है ना अगर मैं दूसरी कोई ब्लीच अप्लाई करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है, बट ये जो ब्लीच है उस टाइम मुझे बिल्कुल भी उसने इरिटेट इतना नहीं किया, ज़रा सा करेगी अगर करेगी तो, बट बाकी इसने बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। और साथ ही साथ ये टीनेजर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मैं आपको बोलूंगी कि टीनेजर ना ही अप्लाई करें, कोई भी ब्लीच बिल्कुल भी मत करें, बट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ये वाली ब्लीच ओलिविया की नेचुरल ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और साथ ही साथ बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है फेस के ऊपर और कहीं पे भी। बट कोई भी ब्लीच अप्लाई करने से पहले, चाहे ये भी हो, आप मैं हमेशा बोलती हूँ अपने साइड में जो है ज़रा सी लगा कर पहले देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ताकि इरिटेट तो नहीं करती, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ब्लीच है ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज मेरी स्किन सेंसिटिव है, चाहे मेरे बाल हार्ड है, बिकॉज मेरे बाल जो है फेस पर वो हर कोई ब्लीच नहीं ब्लीच करवा रही, बट इसने मेंशनली बहुत अच्छे ब्लीच किए हैं और इसके बाद मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जब हमने ब्लीच किया था मेरे 22-25 डेज तक अच्छे तरीके से ब्लीच रहे हैं ये बाल। और साथ ही साथ ये टीनेजर से 60-70 तक की लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं, मतलब इतनी परफेक्ट ब्लीच है और आई थिंक जो है ये बहुत ही अच्छी ज़्यादा ब्लीच है, क्योंकि मैं जो है एज अ खुद के लिए मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, बिकॉज अगर मेरे इतने हार्ड बाल होने के बावजूद भी ये ब्लीच कर सकती हैं तो अगर आपके सॉफ्ट बाल है तो बट ऑफ वैसे ब्लीच कर सकती है, सो यू शुड गो फॉर दैट ब्लीच। और अगर हार्ड भी है तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आपके हार्ड बालों पे ये शायद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे, और नेचुरल भी तो नेचुरल है ही है और बिल्कुल भी केमिकल नहीं लगते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है एंड मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि भाई ये बहुत अच्छी है। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी ब्लीच है, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी एज का इसे ट्राई कर सकता है, बट मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा छोटे जो है वो ना ही कोई ब्लीच लगाए तो ज़्यादा बेटर है, सो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड इट इज़ 100% नेचुरल, सो यू हैव टू गो और ज़रूर जाए करिए और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर नीचे बताइए कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर हो सकता है मैं कुछ बताने में छूट गई हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी, और मुझे बता भी सकते हैं कि मैं अगर कुछ बताने में छूट गई हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी ध्यान रखूँगी। सो अब हम मिलेंगे और आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, ये रिव्यू थोड़ा अच्छा लगा हो एंड इट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माई साइड। सो कहते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो आपको फटाफट पता चल सके, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है बट ये मुझे मोटिवेशन देता है कुछ नई नई वीडियोज लेकर आने के लिए। सो अब हम मिलेंगे संडे, नहीं संडे की तो आदत पड़ गई है बोलेंगी, तो अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।